पानी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत, ऊर्जा का एक अनूठा स्रोत। बहते हुए पानी की इस ताकत को हमारे पुरखों ने सदियों पहले ही पहचान लिया और इसका बखूबी इस्तेमाल भी किया। प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय कौशल का ऐसा ही एक उदाहरण है घरात। ये आवाज हमारे समाज की धड़कन थी, समाज की जरूरत थी और इसमें थी हमारी संस्कृति की गूंज। ऐसा था, बचपन में मेरी माँ मर गई थी, तो मैं 1.5 साल का था या 2 साल का था, तो पिताजी के साथ यही रहता था बचपन से ही, तो मेरे को इसी घटने पाला। घराटों की दिलकश आवाज भले ही आजकल कम सुनाई देती हो, लेकिन बीते वक्त में पहाड़ों की घाटियां इस मधुर संगीत से अनजान नहीं थीं। ऐसी छोटी छोटी नदियों के किनारे हर आबादी के आसपास घराटों की मौजूदगी बेहद आम थी। पहाड़ी इलाकों में घराटों की कितनी उपयोगिता रही होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी भी इलाके में घराटों की संख्या को जान लेना ही काफी होगा। 1, 2, 3 और नीचे रीठा का 4, एक उससे मतलब है कि नीचे 5 घट हैं हमारे मेरे जहन में, जिनको जिनमें से मैंने इन तीनों मैंने पी सका है, द्योसा वाले में, शिमलखेत वाले में, रीठा वाले में और ये जोशी वाले में, और जो है नीचे कनारी ये उपाध्याय लोगों का है नीचे, वो हमारे ये दोनों नदियों के मिलान के नीचे है वो मैंने चालू सिर मेरी मम्मी वगैरह इन्हें देखा, मैंने इन्हें देखा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 घराट थे इस नदी में। इसमें से बचे हैं, एक ये आली वाला बचा है, वो भी बंदने पड़ा है आजकल, गोल ठीक नहीं है उसकी, और एक ये मेरा बचा हुआ है, एक ये नीचे वाला बचा है, एक नीचे है पनार के किनारे में है, वो भी इसी नदी में है, वो भी बचा है, उसकी भी गूल टूटी है शायद। दुनिया भर में लोगों ने अपनी सूझबूझ से पंचक्कियां बनाई और अपने परंपरागत ज्ञान की बदौलत रोजमर्रा के काम को आसान किया, लेकिन बदलते दौर के साथ घराटों की गति का तालमेल नहीं बन सका। वैज्ञानिक सोच और परंपराओं के प्रतीक लड़खड़ाने लगे, खत्म होने लगे। दूसरी शताब्दी में आसाम में भी घराट था, मणिपुर में भी था, मेघालय में भी था, तो अरब में भी था, तो स्विट्जरलैंड में भी था। ये खत्म होना तब शुरू हुआ जब नए विज्ञान का रुख ये था कि पुराना छोड़ो नया लाओ, उसने इसे मारना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए बिजली गई तो बिजली की मिल्स चले गए, इंजन चले गए, जिन्होंने आटा पिसाई, चावल कुटाई, ये सब बिजली के माध्यम से या डीजल इंजन के माध्यम से ने। तो हुआ ये कि नए विज्ञान ने एक ऐसा रुख अपनाया कि पुराने को खत्म करो, नया स्थापित करो। छोटी छोटी जलधाराओं के किनारे बनी ये सरल लेकिन कामयाब मशीनें सदियों तक हमारा साथ देती रहीं। इनके बुरे दिन तब शुरू हुए जब हमने वक्त के साथ साथ इनमें बदलाव की कोई भी कोशिश नहीं की। इन घराटों को गैर जरूरी समझ लिया गया। यहां पसरी वीरानगी ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरह गांव का विज्ञान आधुनिकता के दौर से हार गया, टूट गया और आखिर में बिखर गया। ये पराजय है उस सोच की जिसने तेज रफ्तार की ख्वाहिश में कुदरत से जुड़े अपने विज्ञान से नाता तोड़ लिया था। बाजारनुमा व्यवस्था के दौर में
ये घराट अंधेरे में कहीं खो से गए। खंडहरों में तब्दील ये घराट भले ही आसानी से नजर भी ना आते हों, लेकिन इन चक्कियों में पिसे हुए आटे का स्वाद पुरानी पीढ़ी को अब तक याद है। ऐसा है, पहले तो सभी घराट चला करते थे, बहुत रौनक रहती थी, जब भी अनाज रहता था चालू ही रहते थे। अब तो बस एक वही घराट चालू है, अभी आप लोग जहाँ गए थे। रोटी में बहुत मिठास होती थी, आजकल के चक्की का आटा तो उतना स्वाद उसके हिसाब का हुआ ही नहीं, उसमें बहुत मिठास रहती थी उस आटे में बहुत मिठास रहने वाली ही, जैसा बनाओ अपनी मर्जी से, जैसे ही चक्की में वो अच्छा लगता है। घट की पिसाई अच्छी लगती है, ये तो खाली है, ये चक्की में जल जाता है ना। तमाम वर्ष यहाँ ना बोझ गए चक्की में जाना पपार और खाली अच्छे वहाँ खींचता है मस्त बनी रह पीछे। अब तो स्वाद ना है कि चक्की पीछे स्वाद ही ना हो। एक और खराट खत्म हो रहे थे तो दूसरी ओर गांव की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए इस प्रयोग को नए नजरिए से समझने की मुहिम भी जारी थी। सदियों पुरानी तकनीक में कुछ फेरबदल की दरकार थी, इस दिशा में सोचा गया तो कामयाबी भी मिली। परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के तालमेल के नतीजों ने प्रयोग धर्मियों को निराश भी नहीं किया। विज्ञान में कोई कमी नहीं होती, व्यवस्थाएं खराब होती हैं। आज घराट को, एक समय था घराट को भुला दिया गया था, खत्म कर दिया था। 1986 से हमने इसे आंदोलन का रूप दिया, हमने यात्राएं की, पदयात्राएं की घराट को लेकर के देश भर में, तब जाके कहीं सरकार के कान में जू रहेंगी और उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम खड़ा किया घराट को लेकर के, वरना तो घराट तो भुला दिया गया था। और ये एक अच्छा बढ़िया प्रयोग होने वाला है कि एक चीज जो खत्म हो गई थी वो फिर वापिस आई है और पूरे जोरों से वापिस आई। हेस्को के विशेषज्ञों ने घराट को नया लेकिन ज्यादा कारगर रूप देने के लिए परंपरागत तरीके को भी अपनाए रखा। लकड़ी की जगह माइल्ड स्टील ने ली तो इसका प्रयोग आसान हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने जो पुरानी हमारी पद्धति चल रही है उसी के हिसाब से बनाया हुआ, कि जो हमारा लकड़ी का टरबाइन था, लकड़ी का टरबाइन में मैंने आपकी तरफ से बताया भी था कि कुछ कठिनाई होती थी, जैसे पानी में आया, तेज आया, उसका एक ब्लेड बह गई तो फिर उसमें बैलेंसिंग नहीं हो पाता था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो MS की टरबाइन बनाई है उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा हुआ, और स्थानीय लोगों को इसका पूरी तरह से हमने प्रशिक्षित कर दिया है कि आप इसको किस तरह फिट करेंगे, और भविष्य में आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो स्थानीय मार्केट में, जैसे आप फर्ज कीजिए एक ब्लेड का हल्का सा कहीं वेल्डिंग क्रैक हो गया तो टरबाइन को खोल के दुकान में ले जाके वेल्ड करवा के अपना फिट करवा। ये नया डिज़ाइन घराट के परंपरागत स्वरूप के बेहद करीब है, ऐसे में इसकी परंपरागत खूबियों को बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी था। इसे ज्यादा उपयोगी बनाने की चुनौती तो थी ही, वैज्ञानिक लिहाज से सटीक बनाने की जरूरत भी थी और आमजन के लिए सरल बनाने की जवाबदेही भी। घराट के नए डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि पिसाई के दौरान आटे की गुणवत्ता खराब ना हो। पिसाई के लिए हम एक सीमित मात्रा में ही इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का तो हम बहुत बढ़ा सकते हैं, RPM इसका हम 2000-2500 कर सकते हैं, लेकिन घराट की RPM जो है, रनिंग पर मिनट जो है, हम उसको 1500 से ज़्यादा इसलिए नहीं ले जाते कि उसके बाद उसकी गुणवत्ता खराब, आटे की गुणवत्ता खराब होने शुरू हो जाती, आटा बर्न होने शुरू हो जाता है, उसमें फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, सारे बर्न होने शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है। उसके गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए हमने उसका एक फिक्स कर रखा है कि हम 500 से ज़्यादा उसकी ग्राइंडिंग की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, RPM नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तो हम कम से कम 2000-2500 उसके RPM बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केवल हम उसकी क्षमता नहीं बढ़ा सकते ग्राइंडिंग की, बाकी जो और चीज़ें हैं जैसे विद्युत पैदा करने के लिए, उसका तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें वो ज़्यादा बेटर। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल ने घराटों को और ज़्यादा उपयोगी बना दिया है। धान कूटना हो या सरसों की पेराई या फिर छोटे स्तर पर बिजली का उत्पादन,
जब दूर दराज के गांव में नई तकनीक को अपनाया गया तो परंपरागत घराटियों को ये काफी बेहतर लगी। एक बार इसका बैलेंस रख दिया हमने, जैसे जिस समय ये शुरू में फिट किया उसका बैलेंस लेबल रख दिया हमने। अब इसका लेबल रखना नहीं, कुछ नहीं, लाओ बस सीधे फिट कर दो, हो गया। अब वो जो लकड़ी का वाला होता है उसमें बैलेंस रखना पड़ता है, जितनी बार खोलो उतनी बार बैलेंस रखने वाला हुआ, अगर बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हुई तो वो बेकार हुआ। बस सारा दिन में मन पक्का आटा पिसता होगा एक मन मुश्किल से, और मकई 20 किलो लगा दी रात को तो सवेरे तक 20 किलो मकई पिसा दी। अब तो 7-9-10 धड़ी पिस जा मकी 9-10 धड़ी पिस जा, दूने पे फर्क है। चक्की बनी हुई होगी बढ़िया, पानी पूरा होगा, 9-10 धड़ी मकी पिस जा दी सारी रात में। हाँ, और पहले तो 20 किलो भी सारी रात में पढ़ के सो भी जाओ ने, और गुरड़ 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 पिसती रह गई आस्ते आस्ते। पानी भी पूरा ही था पर चक्की का नीर था ना सही। घराटों के घूमते चक्के अब सिर्फ पिसाई ही नहीं करते बल्कि इनकी गति में ऊर्जा संकट का समाधान भी छिपा है। तभी तो डॉक्टर अनिल जोशी इस सपने को लेकर इतने उत्साहित नजर आते हैं। घराटों से सीखते हुए हर गाड़ गदेरे में हजारों घराट होने चाहिए, और वो हजारों घराट खाली पिसाई न करके ये बिजली उत्पादन करें, अपना ग्रिड हो, उस ग्रिड को जोड़ दें मेन ग्रिड से, तो हर घर गांव में बिजली एक उद्योग हो जाएगा जिसका इशारा घराट कर सकता है। इतने युवा, इतने नौजवान बेरोजगार हैं, वो बिजली उत्पादन पर लगे। ऐसा तो नहीं है कि एक घराट चला दिया अगर पानी तो पानी खत्म हो जाएगा, वही पानी कई घराट और चलाएगा। बिजली हमारी एक बड़ी जरूरत है, जरूरत बड़ी है तो मुश्किलें भी बड़ी हैं। ऐसे में इन कोशिशों से बिजली संकट जैसे बड़े मुद्दे का समाधान मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। घराट से रोजगार मिलेगा तो पानी की चिंता खुद ही होने लगेगी। पानी की चिंता होगी तो जंगलों को बचाने का ख्याल भी जरूर आएगा। जाहिर है घराट तो हर नजरिए से पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण करने में सक्षम है ही, और ये बात हर कोई बखूबी जानता है। जो हमारी लाइट हाइट में इतना कमियां हैं, जो चक्की वगैरह वगैरह चलती हैं, इलेक्ट्रिक आइटम चलते हैं, उन चीज़ से बंद हो जाएगी तो वो पावर सप्लाई हमारे दूसरे यहाँ किसी के घर में 10 बल्ब जल जाएंगे, उसका इवेंट भी वो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 2-3 चक्कियाँ हो गई हैं। अब ये माइनस हो जाएंगी तो 9 घंटों में से 4 घंटे तैयार हो जाएँ, तो ये 2-3 चक्कियाँ जो बिजली हमारी सप्लाई लेती हैं उतनी बचत हो जाएगी तो 10 परिवारों को सप्लाई हो सकती है बिजली। आखिर लोक विज्ञान की परिभाषा भी तो यही कहती है, जो परंपराओं में है उसको और बेहतर करने के लिए हमारे ज्ञान का उपयोग हो। दरअसल तकनीक जितनी सरल होगी उसकी पहुंच भी उतनी ही ज्यादा होगी। सरल, सस्तापन, ये दो करैक्टर के अलावा जो तीसरी बड़ी मुख्य चीज है, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोकली रिपेयर कर सके, लोकल फैब्रिकेटर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर पाए उस टेक्नोलॉजी को। अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जिसके रिपेयर की दूर दूर तक संभावनाएं ना हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की वाटर मिल की, वो इसी से चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए की कि ये तीनों रूप में सटीक बैठे। घराटों को एक नई जिंदगी का मकसद सिर्फ चक्की का विकल्प तैयार करना नहीं है, इसके बहाने ही सही नई पीढ़ी का परिचय इस छोटी लेकिन कारगर तकनीक से तो हो सकेगा। ऊर्जा से जुड़ी एक ऐसी तकनीक जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, संस्कारों के करीब रही है, और अगर हम इन घराटों को बनाए रखने में कामयाब हुए तो ये जीत होगी उन सपनों की जो हमारे पुरखों ने देखे थे, कुदरत के साथ तालमेल के सपने, प्रकृति से बंधन के सपने, प्रकृति को संजोने के सपने।
सारा। माठू माठू घूमी घूमी की कुनयो आजा, माठू माठू घूमी घूमी की कुनयो आजा, बिकसुर घराटे की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, बिकसुर घराटे की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा। बीती जानी दिन बारा ने मिटनियादा, बीती जानी दिन बारा ने मिटनियादा, सबो के पालनिया आज खुद रे गो प्यासा, सबो के पालनिया आज खुद रे गो प्यासा, ग्यूमडू वापिस न की, ग्यूमडू वापिस न की, मन बसिया सा, बिकसुर घराट की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, बिकसुर घराट की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, माठू माठू घूमी घूमी की कुनयो आजा, माठू माठू घूमी घूमी की कुनयो आजा, बिकसुर घराट की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, बिकसुर घराट की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा, बिकसुर घराट की सुनी ली हो धाधा, सुनी ली हो धाधा।